डॉक्टर किशोर मंगल ने लाइफ सपोर्ट स्किल्स के तहत बेसिक लाइफ सपोर्ट स्किल्स के बारे में बताया। These biodubs, like polydubal cells, there's some stasis that happens. Also, bacterial infections and as well as the parasitic infections are also attributed to that. Along with that, the virus tricks because... Start. इस कैमरे में देखोगे मैं आपको सवाल। सबसे पहले अपना नाम बताइए और डिजिनेशन। मैं डॉक्टर आलोक मित्तल हूँ, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं करंटली मस्कट के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। सर, आने वाले दिनों में रेडियोलॉजी पे आपको क्या लगता है कि मेडिकल फील्ड में कितना इम्पैक्ट करती है और क्या वर्ल्ड वाइड? इंटरवेंशन रेडियोलॉजी बहुत ही बड़े तरीके से उभरती हुई ब्रांच है और इसमें हमारे पास डायग्नोसिस के अलावा ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिससे हम मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर कर सकते हैं और पेशेंट को बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसकी अवेयरनेस की अभी बहुत कमी है, तो वो काम करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जाती है। नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट आते हैं, उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि इस ब्रांच को देखें, नए प्रोसीजर्स को समझें। तो इस बड़े प्लेटफॉर्म पर हम सब लोग एक तरीके से सारे लोग मेहनत करके नए नए टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं, नए नए प्रोसीजर्स हैं, नए नए ऑपरेशन हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस करते हैं और उनको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ISVIR में क्या देखते हैं इस बार, क्योंकि जयपुर हो रहा है और भारत को आप कैसे इसको रिप्रेजेंट में बात करें? सो ISVIR से हमारा बहुत बड़ा लगाव है और मैं जयपुर से ही हूँ, तो जयपुर की हॉस्पिटलिटी तो सबको पता ही है, जयपुर का खान पान, वेशभूषा, जयपुर का टूरिज्म, तो इसलिए एवरीवन इज क्वाइट एक्साइटेड और हम सब भी बहुत ही एक्साइटेड हैं इस इवेंट को लेकर। होपफुली इट विल गो वेरी ग्रेट। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सिंह है, मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, निम्स मेडिकल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एंड इंटरवेंशन। सर, आपको कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। आज 11 से 14 जनवरी 2024 जयपुर में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें देश और विदेश सभी जगह से इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट इकट्ठा हुए हैं टू डिस्कस एडवांसेस इन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। एज यू ऑल नो, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में एक्सरे, सीटी और एमआरआई की मदद से बिना किसी चीरे और बिना किसी टाके के मिनिमल इन्वेजिव के द्वारा काफी सारे प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस किए जाते हैं और इसमें जो भी नवीनतम टेक्निक आज के टाइम में और एआई के साथ में जो इनेबल्ड है, वो सब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में प्रैक्टिस हो रहा है। सर, अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें कि आज के टाइम पे क्योंकि फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन रेडियोलॉजी के थ्रू क्या क्या फायदे हो सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी क्या क्या है जिसके हिसाब से बात करें? इसमें फायदे बहुत सारे हैं। देखिए, जहां पे अगर आपका बड़ा टाका नहीं है, चीरा नहीं है किसी पेट में, तो पेशेंट की रिकवरी उतनी ही जल्दी होगी। जितनी जल्दी रिकवरी होगी, वो जल्दी अपने काम पे जा सकता है, तो उसका जो काम से लॉस हो रहा है वो नहीं होगा। प्रोसीजर कॉस्ट हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन अगर हॉस्पिटल में रहने के दिन बहुत कम हो गए हैं तो पेशेंट का ओवरऑल जो बिलिंग है वो कम आएगी, पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होंगी, तो ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव आता है, ना कि ज्यादा आता है। नई टेक्नोलॉजी कुछ इसमें आया है जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में कुछ और नया बदलाव देखने को मिला? नई टेक्नोलॉजी इसमें बिल्कुल है, बिल्कुल एक सुई पिन होल सर्जरी, पिन होल की मदद से ही सारी सर्जरी की जाती है। जैसे ब्रेन में अगर क्लॉट हो गया है तो ब्रेन ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कहते हैं, हाथ की नस से या पैर की एक नस से जाके उस क्लॉट को हटा सकते हैं। पेशेंट जो बिल्कुल मृत अवस्था में आया है, वो बिल्कुल चल के वापस जा सकता है हॉस्पिटल से, गले की बंद नसों को खोल सकते हैं। पेट में कई लोगों को अल्सर के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, उन ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए नवीनतम तकनीक जेल फॉर्म पार्टिकल्स या ग्लू के द्वारा उनको बंद किया जा सकता है। पैरों की कई बीमारियां जैसे कि वेरिकोज वेन्स और DVT, इनका आज के टाइम में जो सबसे नवीनतम इलाज है वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में ही है। थैंक यू सो मच।